हाय गाइस, सत श्री अकाल, माइसेल्फ बंदगी, वेलकम टू पंजाबी द झकास्टर का। सो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के फेवरेट बाजार जैसे समोसे। सो अगर आपको बाजार जैसे समोसे बनाना सीखना है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखे, इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करे, शेयर करे, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। सो ब्रेकिंग ऑल द सस्पेंस, लेट्स चेक आउट द रेसिपी। समोसे बनाने के लिए मैं लूंगी एक कप मैदा यानी कि ऑल पर्पज फ्लार। ये मैंने मेजरिंग कप से मेजर किया है, आप चाहे तो किसी कटोरी या कप से मेजर कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टेबल स्पून अजवाइन यानी कि कैरम सीड। इसे मैं क्रश करके डालूंगी बिकॉज इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, आप चाहे तो टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी स्वादानुसार नमक, और अब मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। तो आप देख सकते हैं हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी मोन। मोन के लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, और अब हमें इसे अच्छे से मैदे के साथ मिलाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे ये मैदे के साथ घी अच्छे से मिल गया है और एक शेप फॉर्म हो रही है। ये शेप फॉर्म होने का मतलब ये है कि हमारी मोन परफेक्ट है, हमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना शेप फॉर्म होती तो हमें थोड़ा घी और ऐड करना पड़ता। तो चलिए अब मैं इसे गूंद लूँगी। इसे गूंदने के लिए मैं ठंडा पानी यूज़ कर रही हूँ। इसे पूरा गूंदने के लिए मुझे 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा था। हमें इसकी एक टाइट डो बनानी है। डो बिल्कुल भी ढीली नहीं होनी चाहिए, इवन ज़रा सी भी ढीली नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर ज़रा सी भी ढीली होगी तो जब आप समोसे तलेंगे तो उसकी पापड़ी पे बबल्स आ जाएंगे। तो अगर आपको बबल्स अवॉइड करने हैं और मार्केट जैसा पापड़ी चाहिए तो आपको बहुत ही टाइट डो बनानी है, और हमें इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छे से गूंदना भी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी डो गूंद चुकी है। इसे मैंने 10 से 12 मिनट के लिए गूंदा है और बिल्कुल टाइट डो गूंदी है, बिल्कुल भी ढीली नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम फिंगर लगाएं तो ऊपर बाउंस बैक हो जाए डो, ऐसी डो होनी चाहिए। तो अब हम इसे रेस्ट करवाएंगे। इसे मैं कम से कम मिनिमम 30 मिनट के रेस्टिंग टाइम दूंगी। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट या 4-5 घंटे का भी दे सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। तो चलिए अब हम समोसे का मसाला बनाते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1/2 टेबलस्पून जीरा और 1/4 टेबलस्पून अजवाइन। अजवाइन चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये हमारा समोसा मसाला है। इस मसाले से हमारे समोसे का टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो अब ये हमारे मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए मैं इसे गरम-गरम ही अब क्रश कर लूँगी। ये मेरे पास मोटर पेसल है, इसी में मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे अपने चकले बेलने पे भी क्रश कर सकते हैं। इसे हमें मोटा मोटा दरदरा क्रश करना है। ये देखिए दरदरा क्रश हो चुका है। तो चलिए अब अपना आलू का मसाला बनाते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, और इसे मैं गरम करूँगी। जैसे ये गरम होगा तो मैं ये ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा अदरक, 1 इंच अदरक, 1/2 टेबलस्पून हींग और 2 हरी मिर्च। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी हरी मिर्च ले सकते हैं। और इसे मैं भून लूँगी मीडियम लो फ्लेम पे। हींग आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप खाते नहीं है तो। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टेबलस्पून हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, और इसे मैं अच्छे से भून लूंगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्वादानुसार नमक, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च आप चाहे तो मिर्च अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे आप खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू।
और अब मैं फाइनली इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। ये मैंने आलूओं को बिल्कुल मैश नहीं किया, इसे दरदरा ही मैश किया है। और इसमें मैंने थोड़े से उबले हुए मटर लिए हैं, मटर से और ही अच्छा टेस्ट आता है समोसों में। और ये मैं ऐड कर रही हूँ अपना समोसा मसाला जो हम लोगों ने पहले तैयार किया था। और अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 चम्मच आमचूर 1/2 चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आमचूर और चाट मसाले का काम एक ही होता है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ऐड कर लीजिए, हमें टेस्ट से मतलब है। देख सकते हैं कि हमारा आलू मटर का मसाला बन के तैयार हो गया। इसे मैंने 5 से 8 मिनट पे मीडियम लो फ्लेम पे पकाया था। और अब आप देख सकते हैं ये ड्राई मसाले आलू मटर सब अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं और बिल्कुल समोसे के आलू के मसाले की तरीके लग रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के अब हम चलते हैं अपने समोसे बनाने की ओर। तो ये देखिए ये आटा है, इसे मैंने 1/2 घंटे का रेस्टिंग टाइम दिया था। तो चलिए अब हम इसे पेड़े बना लेते हैं छोटे छोटे। और ये मैंने एक पेड़ा लिया और अब मैं इसे बेलूंगी। इसे बेलने की ट्रिक ये है कि हमें इसे लेंथ वाइज यानी कि लंबाई में इसे लंबा बेलना है और चौड़ाई में इसे थोड़ा कम चौड़ा करना है। इसे हमें रोटी की तरीके गोल गोल नहीं बेलना है। और याद रखिए इसे बेलते टाइम हमें बहुत एफर्ट लगेगा बिकॉज ये आटा बहुत टाइट होता है, तो थोड़े से और एफर्ट लगा के हमें इसे बेलना होगा, बट ये बेल जाएगा। और जैसे कि ये गोल नहीं बेलेगा तो हमें इसे नाइफ से बाद में काट के इसे एक शेप देनी पड़ेगी, बट याद रखिए कि हमें इसे लंबाई में ही लंबा बेलना है और चौड़ाई में कम चौड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है। हमें इसे इतना पतला ही रखना है, ना हमें इसे ज़्यादा मोटा रखना है ना हमें इसे ज़्यादा पतला रखना है। मोटा रखेंगे तो ये समोसे का जो टेस्ट है वो नहीं आ पाएगा आलू का टेस्ट, और पतला होगा तो समोसा फट जाएगा। और अब मैं इसे एक चक्कू की मदद से शेप दे रही हूँ। शेप देने के बाद मैं इसे थोड़ा और लंबा कर लूँगी। याद रखिए जितना मोटा मैंने रखा है उतना ही आप रखिएगा, अगर ज़रा सा भी ऊंचा नीचा होगा तो समोसा फट भी सकता है या फिर हमारा आलू का टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ पापड़ी पापड़ी का टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं मेरी चपाती कैसी है, ये बिल्कुल परफेक्ट चपाती है। तो ये देखिए मैंने बाकी की भी शीट्स अपनी समोसे की ऐसे बना ली हैं। देखिए कितनी परफेक्ट शीट्स बनी है, आपको भी ऐसी शीट्स बनानी है। तो चलिए अब हम समोसा बनाने की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं साइड्स में पानी लगा लूँगी। पानी लगाने से जो हमारा समोसा है वो फटेगा नहीं कढ़ाई में, तो इसलिए मैं इसमें पानी लगा रही हूँ। पानी मैंने रूम टेम्परेचर पे ही लिया है। और फिर मैं इसके 2 साइड्स उठाऊँगी, जो लेंथ वाले साइड है वो मुझे उठाने हैं, लंबाई वाले साइड, और उसे ज्वाइन करने हैं। जो छोटी लेंथ है वो वाले नहीं, जो बहुत लंबी लेंथ वाले साइड है वो उठा के मुझे इसे अच्छे से ज्वाइन करने हैं और अपने हाथ में ले लेना है। और फिर मैं इसमें भरूंगी आलू। आलू हमें मीडियम भरने हैं और इसे हल्का दबा के भरने हैं। ज़्यादा भरेंगे तो समोसा फट जाएगा और बंद भी नहीं होगा, तो मीडियम भरने और हल्का हल्का नीचे दबा लीजिएगा। और याद रखिए जो साइड्स हम कॉर्नर पकड़ेंगे वो जो हमारी बहुत लंबी लेंथ है लंबी लेंथ से ही हम पकड़ेंगे, ताकि छोटी लेंथ से। और अब हम समोसा बंद करने के लिए एक गणपति फोल्ड बनाएंगे। ये फोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। गणपति फोल्ड बना के हम इसे बंद करेंगे। अगर ये फोल्ड नहीं बनाएंगे तो समोसे की शेप परफेक्ट नहीं आएगी। और याद रखिए जैसे ये फोल्ड बनाएंगे तो हमारा समोसा ऐसे बैठेगा। इस फोल्ड की वजह से हमारे समोसे को एक शेप मिलेगी कि ये बैठे। और जो साइड के एक्स्ट्रा पोर्शन है वो मैं इसे चक्कू से काट लूँगी। इस फोल्ड की वजह से ही हमारे समोसे की शेप बिल्कुल बाजार जैसी आएगी। तो याद रखिए ये फोल्ड जो है आप मेरी वीडियो से देख के बनाएं।
तो ये आप देखिए कैसे ये बाजार जैसा बिल्कुल परफेक्ट समोसा मैंने बनाया है, जस्ट बिकॉज इसकी ट्रिकी ये फोल्ड है और कुछ नहीं। तो दो ट्रिक्स हैं, एक हमको लंबी लेंथ से इसके कॉर्नर ज्वाइंट करने और दूसरा गणपति फोल्ड। ऐसे ही मैं बाकी के सारे समोसे बना लूंगी और आप भी बना लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सारे समोसे बना लिए हैं और बिल्कुल बाजार जैसे शेप बनी है समोसों की। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैं लूंगी वेजिटेबल ऑयल। ये मैंने कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल लिया है और ये ऑयल कढ़ाई में ऊपर तक भरा होना चाहिए और कढ़ाई हमारी नीचे बेस जो है वो फ्लैट होना चाहिए और इसे मैं गर्म करूँगी। ये मेरा ऑयल मीडियम हॉट है। तो चलिए अब मैं इसमें समोसे ऐड करूँगी। समोसे ऐड करते समय फ्लेम हाई होना चाहिए ताकि ऑयल हमारा ठंडा ना हो जाए। उसके बाद हम इस फ्लेम को लो कर देंगे। तो आप देख सकते हैं लो फ्लेम पे हमारे समोसे पक रहे हैं और ये एक साइड से पक चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे पलट लेते हैं। याद रखिए फ्लेम जो है हमारी लो ही होनी चाहिए, हाई तब होगी जब हम समोसे डाल रहे होंगे ताकि हमारा जो ऑयल है मीडियम हॉट से ठंडा ना हो जाए। हमें ठंडे तेल में समोसे नहीं डालने हैं, नहीं तो समोसा सारा तेल पी जाएगा। और लेकिन हमें इसे तलना बिल्कुल लो फ्लेम पे ही है। इसकी पापड़ी का कलर बहुत रेड ना करिएगा, ये देखिए ऐसे करिएगा, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है क्योंकि ठंडे होने के बाद भी पापड़ी का कलर चेंज होता है। तो चलिए मेरी समोसे तल के तैयार है और मैं अब इसे निकाल लूँगी। याद रखिए पापड़ी का कलर जो है बिल्कुल रेड ना करिएगा, लाइटिश गोल्डन टाइप का कलर होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं मेरे सारे समोसे बनके तैयार हो गए हैं, कितना परफेक्ट कलर आया है और कितनी परफेक्ट शेप आई है और बिल्कुल मार्केट स्टाइल लग रहे हैं। और पापड़ी की तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल क्रिस्पी पापड़ी बनी है और जो मैंने समोसा मसाला ऐड किया था उस वजह से मसाले का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ट्राई करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।